फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। तो आज हम आपके करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बिमस्टेक। तो आपके पंजाब पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिकॉज आज 25 ईयर्स बिमस्टेक ने कंप्लीट कर लिए हैं और इस बार बिमस्टेक का 5th समिट हुआ है अभी 2022 में अप्रैल की स्टार्टिंग में, एंड देन उससे पहले एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुई थी बिमस्टेक के मिनिस्टर्स की। सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो बिमस्टेक के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, मेनली प्री में यही सब पूछा जाता है। तो देखिए, 25 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं बिमस्टेक ने। फर्स्ट फैक्ट यही है, जून 1997 में सेटअप हुआ था। 25 इयर्स फ्रॉम नाउ, दैट इज 2022, आज इसकी 25th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। तो देखिए, जब ये इनिशियली सेटअप हुआ था तो सिर्फ 4 मेंबर्स थे, ये याद रखिए, ये पूछ सकते हैं। तो इसी वजह से इसे बिस्ट एक कहा जाता था, दैट मीन्स बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये 4 मेंबर्स थे। ईसी का मतलब था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि ये 4 कंट्रीज मिलके इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगी एक दूसरे के साथ, राइट। जून में ये स्टार्ट हुआ, देन दिसंबर चलते चलते म्यांमार ने भी इस ग्रुप की मेंबरशिप जो है एक्वायर कर ली, ठीक है। तो ये बन गया बिमस्टेक। अब उसके बाद ये सेम ईयर में हुआ था 1997, बट देन मच लेटर इन 2004 वी सी द एडिशन ऑफ भूटान एंड नेपाल आल्सो इनटू द ग्रुपिंग, राइट। दैट इज हाउ दे ये करंट लेवल की आज ग्रुपिंग है। नाउ देखिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से इस रीजन का सिग्निफिकेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाउ बिमस्टेक इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल के अराउंड सिचुएटेड कंट्रीज है सारी, ठीक है, और ये हेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलाका पे लाए करती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है इंडियन ओशन रीजन में। इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका वर्ल्ड का ट्रेड है, ऑयल है, वो बहुत मेजॉरिटी में यहाँ से पास करता है। अगर कोई कंट्री किसी दिन इस स्ट्रेट ऑफ मलाका को चोक करने का डिसीजन ले लेती है, बंद करने का या रिस्ट्रिक्ट करने का मूवमेंट का, शिप्स का डिसीजन ले लेती है, तो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज को बहुत ही ट्रेड वाइज या एनर्जी वाइज बहुत हार्म होगा, उनका ट्रेड रुक जाएगा, ऑयल की मूवमेंट रुक जाएगी, राइट। तो अब आपको ये भी पता है कि चाइना की इंक्रीजिंग डोमिनेंस हो रही है इस रीजन में, तो ये थ्रेट बहुत रियल है। इसी वजह से ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रीजन की कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन उसके बाद ये रीजन बहुत ही एक स्टोर हाउस है नेचुरल रिसोर्सेज का। बे ऑफ बंगाल या इंडो पैसिफिक रीजन, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज इसमें पाए जाते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, देन रेयर अर्थ मेटल्स, देन ब्लू इकोनॉमी के बेनिफिट्स, जैसे कि आपको फिशरीज यहाँ से मिलती हैं, कोरल से आपको बहुत कुछ मिलता है, सीवीड से, इन सबको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंटू मेडिसिन और फूड, इंटू न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो वो सब रिसोर्सेज हमें यहाँ से मिलते हैं, राइट, मिनरल रिसोर्सेज भी और ये न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज भी। उसके बाद ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया, 1/4 वर्ल्ड का ट्रेड इस एरिया में से पास करता है, दैट इज ऑल्सो वाई दिस रीजन इज सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है, दैट मीन्स दिस रीजन इज द सोर्स ऑफ हाई डिमांड। वर्ल्ड की 1/5 पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड है, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भी है ये रीजन। इंडिया के लिए भी ये सारी कंट्रीज अच्छी मार्केट की तरह एक्ट करेंगी, ठीक है। इस रीजन की कंबाइंड जीडीपी 2.7 ट्रिलियन है, तो मतलब इकोनॉमिकली भी ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिमस्टेक इंडिया के लिए या इन कंट्रीज की आपस कोऑपरेशन के लिए। पहले हमने स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस देखी, अब हम इकोनॉमिक रेलिवेंस देखें, राइट। नाउ फर्दर देखिए, एक और ग्रुपिंग है, रीजनल ग्रुपिंग है, दैट इज सार्क। बट देखिए, सार्क में पाकिस्तान इज ऑल्सो अ मेंबर, तो उसकी वजह से सार्क जो है ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, कुछ अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, कुछ रीजन में ज्यादा कनेक्टिविटी वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते ही रहते हैं जब भी सार्क की मीटिंग्स होनी होती हैं, या तो उसके समिट ही नहीं होने देते हैं, राइट। तो इसी वजह से अब इंडिया बिमस्टेक को एज एन अल्टरनेटिव ग्रुपिंग देख रहा है, जिससे ये रीजनल लीडर भी बन सके इंडिया, और इन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट भी कर सके, और जो भी इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं उनको लीवरेज कर सके, उनका बेनिफिट उठा सके,
इसी वजह से भी ये ग्रुपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद देखिए, ये रीजन जो है पूरा हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है, तो नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए भी इन इस रीजन से कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से यहाँ ट्रेड जाएगा, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स इन एरियाज में जाएंगे, टीचर्स यहाँ पे जाएंगे, लॉयर्स यहाँ जाएंगे, तो उससे नॉर्थ ईस्ट की इकोनमी और सोसाइटी बहुत बूस्ट होगी। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए भी बिम्स्टेक का रीजन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट जैसी पॉलिसीज भी लॉन्च की हुई है, राइट। उसके बाद मैंने बताया जैसे कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है इस एरिया में, इंडो पैसिफिक के सारे एरिया में, स्पेशली बे ऑफ बंगाल में, तो उसको भी चेक करने के लिए इंडिया को अपनी कोऑपरेशन इन कंट्रीज के साथ बहुत हाई रखनी पड़ेगी, ताकि किसी भी तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो हार्म ना हो पाए, राइट। नाउ वो सब थे सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक फॉर इंडिया। नाउ द सिक्स फोकस एरियाज जो इस पूरी ग्रुपिंग के फोकस में रहते हैं कि इन एरियाज में दे विल रेडिली कोऑपरेट, तो आप इसे T4EF करके भी याद कर सकते हैं, दैट इज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, T4s, ठीक है। तो ट्रेड पे फोकस करेंगे, एक दूसरे की कंट्रीज में टूरिज्म बढ़ाने पे फोकस करेंगे, ठीक है, सब मूवमेंट के लिए मेन मटेरियल, या ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, उसका तो बेस ही ट्रांसपोर्ट है, तो सबसे पहले फोकस ट्रांसपोर्ट या कनेक्टिविटी पे करेंगे, रेलवेज बनाने हैं, रोडवेज बनाने हैं, एयरवेज बनाने हैं, राइट। एंड फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे भी फोकस किया जाएगा। फाइनली फिशरीज, मैंने बताया बे ऑफ बंगाल इज ब्लू इकोनॉमी का हब, तो वो वहां से फिशरीज से भी बेनिफिट्स जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और एनर्जी एक्सचेंजेस पे भी फोकस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, ओशन जनरेटेड एनर्जी, ये सब एरियाज में ये कोऑपरेट करना चाहते हैं। अब फाइनली जो फिफ्थ समिट हुआ है उसकी रेलिवेंस बहुत है, उसके आउटकम्स क्या है, तो आप देखिए 25 साल में सिर्फ 5 समिट हुए हैं, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, और आप चैलेंज से सोच सकते हैं कि बिम्स्टेक का अगर चैलेंजेस पूछा जाए तो उसमें ये मेंशन जरूर कीजिए कि रेगुलर समिट नहीं होते हैं, 25 सालों में आज तक सिर्फ 5 समिट हो पाए हैं, बट अब हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसकी थीम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछी जा सकती है, यूपीएससी या पंजाब पीसीएस या किसी और भी स्टेट के पीसीएस में, तो इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ रिजिलियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल, ये याद रखनी है। इसके मेन आउटकम्स क्या थे, तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने एक बिम्स्टेक चार्टर अडॉप्ट किया है, जिसमें ये गाइड करते हैं कि हम आगे चल के एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करने वाले हैं, हमारे फोकस एरियाज क्या होने वाले हैं, हम किस एरियाज में कोऑपरेट करेंगे, किस तरीके से कोऑपरेट करेंगे, तो उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख के रखा है इन्होंने, दैट इज बिम्स्टेक चार्टर, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे रीजन को, यू नो, ट्रेड, टूरिज्म या किसी भी तरीके की इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए भी मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो है बनाई गई है, ठीक है। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है इस समिट का। नाउ 3 अग्रीमेंट साइन किए गए हैं, क्रिमिनल मैटर्स पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, डिप्लोमेटिक की ट्रेनिंग, डिप्लोमैट्स की ट्रेनिंग में कोऑपरेशन करेंगे, एंड देन टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जैसे मैंने आपको बताया बिम्स्टेक एक, इंडिया एक लीडिंग कंट्री है, अगर इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है तो इट विल शेयर विद द अदर कंट्रीज, या फिर किसी और कंट्री में भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी बनती है, सो दे विल फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, ताकि वो को प्रोस्पेरिटी पे फोकस कर सके, एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो कर सके, राइट। नाउ फाइनली इंडिया ने कुछ कमिटमेंट्स बनाई हैं। देखिए बिम्स्टेक की कोई अच्छी सेक्रेटरिएट अभी तक नहीं है, इसी वजह से आप देखिए कि समिट मीटिंग्स भी जो नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर, और सेक्रेटरिएट भी नहीं होना, ये भी इसका सेकंड चैलेंज है, आप इसके चैलेंजेस में मेंशन कर सकते हैं। तो अब सेक्टोरियल बैकअप देने के लिए इंडिया ने $1 मिलियन जो है कमिट किए हैं। देखिए सेक्टोरियट बहुत इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंट वर्क देखने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए, ये देखने के लिए कि बिम्स्टेक ने जो कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं। तो ये सेक्रेटरिएट स्टाफ किसी भी, यू नो, ये आप ऐसे समझ सकते हैं ये बैक एंड वर्क करते हैं, बैकबोन होती है, ये जो समिट्स वगैरह होते हैं दे आर द फ्रंट एंड वर्क्स, और यू नो दे फोकस ऑन गिविंग द आइडियाज, बाकी सेक्रेटरिएट इज द वन दैट मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। तो सेक्रेटरिएट बहुत जरूरी है, तो उसी के लिए इंडिया ने अब पैसा कमिट किया है
ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल जो है वो कनेक्टिविटी प्रॉस्पैरिटी और सिक्योरिटी का ब्रिज बनेगा राइट सारी कंट्रीज के बीच में इसीलिए ये बहुत रेलिवेंट है। अब फाइनली अभी कभी पूछा जाए कि वे फॉरवर्ड क्या है बिम्स्टेक के लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं तो ये सारे एरियाज इंडिया ने आगे प्रेजेंट किए कि इंडिया जो है या बिम्स्टेक जो है आगे एफटीए पे फोकस कर सकता है दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इससे ट्रेड बूस्ट होगा इन कंट्रीज के बीच में और भी ठीक है। देन ये सारी छोटी कंट्रीज हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स उभर के आ रही हैं इन कंट्रीज में तो उस लेवल पे भी ये जो है एक्सचेंजेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं राइट फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल नॉर्म्स को अडॉप्ट करेंगे अपने ट्रेड को और स्मूथ बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं दैट दे विल यूज ठीक है। फाइनली स्टूडेंट्स को इस रीजन में से स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ठीक है तो ये इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट होगा और इस रीजन में कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए इंडिया पीपल टू पीपल टाइज पे फोकस करेगा बाय गिविंग दी स्कॉलरशिप राइट सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लीज इसे ध्यान से जरूर कीजिएगा पंजाब पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए भी सो मेक द नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग देम मैं हर वेडनेसडे और सैटरडे वीडियोज पोस्ट करती रहती हूँ प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच।